मैं आपको कोई पहले क्वेश्चन, जैसे सेकंड चैप्टर में आपका लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर लॉ के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भी लेबर लॉ क्या है, कानून बना हुआ है लेबर के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, या फिर इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो आपके पास बन रहा है, टोटलिटी, टोटलिटी क्या होती है, कुछ है क्लियर इसके बारे में? इन्होंने दिया है इसमें बुक में आपके पास, टोटलिटी क्या होगी, देखो टोटलिटी रेफर टू दी एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रैक्टिस एंड एनी सब सिस्टम शुड बी सीन रिस्पेक्टिव। कोई प्रॉब्लम जो आपने देखी हो, या कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस आपने किया हो, जो आपने सिस्टम में कभी देखा हो या सब सिस्टम आपने देखा हो, उसको बोलते हैं टोटलिटी। टोटलिटी दो प्रकार की होती है, पहले ही पेज पे आपके पास 36 नंबर पेज पे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। जो टोटलिटी आपकी दो प्रकार में होती है, स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है। स्टैटिक जो होती है जो आपने कभी हिस्ट्री में देखी है, डायनेमिक होती है जो आपने प्रेजेंट में देखी है, ठीक है। टोटलिटी क्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रैक्टिस या फिर कोई सब सिस्टम जो आपने देखा हो कभी भी, ये दो प्रकार की होगी, स्टैटिक एंड डायनेमिक डायमेंशन, जैसे लिखा है। स्टैटिक जो होगी, जो आपने पार्टिकल मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री, किसी भी हिस्ट्री के मूवमेंट के बारे में से आपको पता है। डायनेमिक जो होती है वो आपका प्रेजेंट टाइम होता है, जो आपने प्रेजेंट एनालिसिस किया हो, जो प्रेजेंट मूवमेंट हो जिसपे आपने आज कब तक करें, उसको बोलना टोटलिटी। टोटलिटी रेफर टू द अबव इज नॉट एनी मीन्स इन हार्मोनियस कॉन्फिगरेशन ऑफ पार्ट, देयर आर इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन टोटलिटी गिवन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गिवन मोड ऑफ द प्रोडक्शन। टोटलिटी बोलते हैं कि किसी कॉन्फिगरेशन नहीं है किसी पार्ट के, मीन कोई काम किस तरह हुआ, ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्शन का मूड था वो किस प्रकार का था, ठीक है। वैसे दो नंबर में क्वेश्चन आया तो आप यही लिख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई प्रैक्टिस या कुछ भी हो, उसको हम टोटलिटी बोलते हैं। दो प्रकार के, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक जो है किसी भी पास्ट मूवमेंट होगा, और जो डायनेमिक है वो आपका प्रेजेंट मूवमेंट होगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चन जो आता है वो आता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM होती क्या है, वैसे आप सबको पता होगा HRM क्या होती है, बताइए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, बताइए क्या होगा। अगर दो नंबर में क्वेश्चन आपको आ जाता है HRM क्या होगा, फर्स्ट तो आप फुल लिखेंगे, फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग किसके लिए काम आती है। जैसे वो कंपनीज वगैरह में होते हैं ना HR डिपार्टमेंट, जैसे वहाँ पे जो मतलब बंदे भर्ती वगैरह करने होते हैं, ठीक है, और मतलब उन लोगों की क्या क्या जरूरतें वगैरह है, या फिर कोई कंप्लेन वगैरह, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो भी करते हैं। चलिए देखिए इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द पीपल सो दैट द बिजनेस आर कॉम्पिटेटिव एंड सक्सेसफुल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होगी, जो आप लिख सकते हैं कुछ भी होगा, जो क्या है लोगों को मैनेज करती है, जिससे क्या है बिजनेस जो कम्पिटेटिव हो सके, मीन्स कंपटीशन भी कर सके और सक्सेसफुल भी हो सके। टू डू दिस इज फैक्ट्स चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटर इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोफेशनल कीप अप द इशू ट्रेंड्स एंड अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। अगर आज के टाइम में देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हो गया प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन भी हो गए, ये दोनों चीजें इशू भी क्रिएट भी करते हैं, लेकिन जो है कंपनी को अपलिफ्ट भी करते हैं। किसी भी कंपनी को ऊपर जाना है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है पूरी हेल्प करती है, मीन्स उसमें एक मेन रोल अदा करती है किसी भी कंपनी को ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, सारे मैनेज सिस्टम को जो है मैनेज करके चलती है। अगर इसमें आप देखें तो आपके उस वक्त में ये भी पूछेगा ह्यूमन रिसोर्स का पूरा टॉपिक लिखना होगा, तो आप किसके कैरेक्टरिस्टिक या फिर ऑब्जेक्टिव कुछ भी लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इन्होंने तो सारा पैरा ही बना के लिखा हुआ, तो आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, क्या क्या करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा। ह्यूमन लिख सकते हैं डिवॉल्व रिलेशनशिप, पहला पॉइंट लिख लीजिए, जैसे इनमें नहीं लिखे हुए तो लिख सकते हैं पहला डिवॉल्व रिलेशनशिप। और कोई पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख सकते हैं, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग लिख सकते हैं, डिस्प्यूट वगैरह का कुछ, रिसोल्व डिस्प्यूट्स, डिसीजन मेकिंग, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए रिसोल्व डिस्प्यूट्स, फिफ्थ लिख लेते हैं मैनेज ऑल वर्क्स, सब जो एडमिट करते हैं बच्चों को, जब ऑर्गेनाइजेशन मैनेज ऑल वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इन इंडस्ट्री कुछ भी लिख सकते हैं, इन इंडस्ट्री लिख लीजिए, इन ऑल वर्क में सारा कुछ आ जाएगा, अभी चाहे स्टाफिंग करनी है, रिक्रूटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और पॉइंट कोई,
लिख रहे डिवेलपमेंट में हो गया उसमें इस अगर अलग से पॉइंट लिखे हेल्प इन इम्प्रूव नहीं वो तो अलग से इसी में आ जाएगा डेवलपमेंट में या कंपनी को इम्प्रूव हो रही तो और कोई पॉइंट बोलिए जो आपके दिमाग में आ रहा है हेल्प इन इम्प्लॉय मोटिवेशन लिख लीजिए इम्प्लॉय को मोटिवेशन करती है डिजाइन वर्क कल जन्मदिन मनाया डिजाइन वर्क लिख सकती है क्रिएट टीम ग्रुप्स हेल्प इन मोटिवेशन लिख लो डिजाइन वर्क क्रिएट टीम वर्क या फिर टीम ग्रुप लिख सकते हैं तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं कितने सात आठ पॉइंट हो गए मेरा वो डिजाइन वाला नहीं हुआ वर्क का जो डिजाइन रेडी करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है कंपनी में सारे काम करती है अगर ये काम सारे कंपनी करती है तो वही कंपनी जो है एक बेटर वे में टाइम सेट करना है तो उससे क्या है कंपनी जो है इम्प्रूव कर सकती है अपना प्रोडक्शन लेवल भी और अपनी कंपनी का जो ग्रोथ चल रहा है उसको इम्प्रूव करेगी प्रोडक्शन लेवल जब इन कंपनी में इंक्रीज होगा तो ऑटोमोटिव कंपनी जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा ये सारे काम जो करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है आपने देखा होगा कंपनी में जितने भी रूल बनते हैं नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट ही बनाते हैं एचआर डिपार्टमेंट सारे काम करते हैं उस हिसाब से आगे कंपनी जो है फ्लो करती है आगे आ रहा है द थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है इन जैसे ही झगड़ा बोलते हैं ना वही बोलते हैं ना दोनों में क्या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दोनों में क्या था क्या मीन झगड़ा हो सकते हैं इसके ऊपर हमने थ्योरी लिखनी है वैसे तो दोनों जो है कंपनी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब कंपनी में जो आपसी रिश्ते बने हुए हैं चाहे लेबर्स में बने चाहे मैनेजर्स में बने चाहे स्टाफ में बने जो भी है और दूसरा एचआर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट क्या होता है इन दोनों की जो पॉलिसी होंगी उनमें जो डिफरेंस होगा वही इनके कन्फ्लिक्ट मान सकते हैं देखो इन्होंने बताया इन कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड आईआर टू सेंट्रल कंसर्न इन द बिट डज एचआरएम इज ओ से चैलेंज टू आईआर हाउ कैन कन्फ्लिक्ट क्या अगर हम मान के चले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को चैलेंज करती है लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा ये कुछ क्लियर नहीं है ना ही कॉम्प्लीमेंट है इन दोनों में फिक्स नहीं है कुछ नहीं है कुछ पॉइंट इन्होंने नीचे बताए हैं इट रिमेन टू कंसिडर सम ऑफ दिस बेसिक ऑब्जेक्टिव आईआर विच कुड बी सेट टू इंक्लूड द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या कुछ पॉइंट इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तो हमने लिख लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बताए पेज नंबर 20 पेज ही गायब होगा चलो किसी बुक में देख लो देखो इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव बताया कि आप मान फिर आपको पता लग जाए भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे पहले एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द गोल्स एंड सर्विसेज एट सेम टाइम डिटरमिनेशन ऑफ द एडिक्वेट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है सबसे पहले क्या कंपनी के प्रोडक्शन की या फिर गुड्स जो बनानी हो कितनी बनानी हो उनके क्या गोल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव उनको डिसाइड करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कंपनी में जो है वर्क को मैनेज करती है लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो कितनी गुड्स बनानी है कितना प्रोडक्शन करना है वो देखता है तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने जो रूल बनाए इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ और बना देता है उसी चक्कर में तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सेकंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ऑर्डर टू रिसॉल्व वर्क प्लेस जिस जगह पे काम हो रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन डिसाइड करते हैं कैसे कोऑपरेशन होगा कौन लोग कितने टाइम पे बातें कर सकते हैं या फिर किसकी सलाह ले सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो एक प्रोसीजर बना देती है भी आपको इतने टाइम काम करना है इस बेस पे काम करना है ये लोगों को रिक्रूट करना है इन लोगों को यहाँ पे रखती है लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है फिक्स करती है भी आपने कितनी किससे सलाह लेनी है कितना काम करना है तो उस जगह पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अवॉइडेंस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव वेयर पॉसिबल थ्रू नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंडस्ट्रियल रिलेशन ये बताती है कि अगर मान लो आपके झगड़े हो जाते हैं चाहे एम्प्लॉयर्स के होते हैं चाहे एम्प्लॉइज के या फिर रिप्रेजेंटेटिव के उनको सेट करने के लिए कहता है आपको सबसे पहले नेगोशिएशन खत्म करनी होगी या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा रूल बना देने होंगे जिससे डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सकती है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है पहले से उन्होंने फिक्स किया होता है अगर झगड़ा होगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा माफी मांगनी होगी जुर्माना होगा ये कुछ और बता देते हैं उस हिसाब से रोल तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है टू प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन वेयर नीडेड इन एरिया ऑफ सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी एंड हेल्थ चाइल्ड लेबर सेप्सा इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है लेबर को के बोलती है आपको ये फायदे होंगे लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कंपनियों में उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है भी हम आपको इतनी चीजें देंगे आपको कंपनी में रख रहे हैं इसी बेस पे रख रहे हैं क्योंकि पेपर वगैरह साइन करवा लेते हैं पहले से ही कोई भी गलत से बात होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा
कंपनी में अंदर जाते हैं तो जो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो कुछ हमें और बता देते हैं भाई आपको ये भी हो गया ये हो गया, उस चक्कर में कि हम अपनी जॉब भी खत्म करते हैं, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट इस पॉइंट के बीच में भी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन देम एंड द स्टेट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वहां सिर्फ अपना काम करती है, उन्होंने रूल बनाने हैं, आप उन रूल को फॉलो करने हैं, तो इन दोनों के बीच में इन पॉइंट्स की वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं उन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, ये पॉइंट बता दिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और होते हैं, तो उन दोनों की वजह से क्या दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, अदरवाइज कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। दोनों का मेन काम ये होता है किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी कंपनी को अपलिफ्ट लेके जाना है, उनकी ग्रोथ करवानी है ताकि उनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो। लास्ट में जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, एचआरएम भी इम्पोर्टेंट है, लेबर लॉ ओरिएंटेशन। लेबर लॉ ओरिएंटेशन का मतलब कि लेबर लॉ जो कानून जो आपके बना हुआ सुधार होना है, इसके दो साइड है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सारी सहूलतें जो हमें मिलती हैं, जैसे उन्होंने बताया था पॉजिटिव साइड प्रोवाइड्स बेसिक राइट्स एंड फैसिलिटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू द कंबाइंड, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिव, मिनिमम स्टैंडर्ड सेफ्टी। अगर पॉजिटिव की बात करें तो ह्यूमन को किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, कितनी इनकम मिलेगी, सारे पॉइंट्स उसमें आते हैं, क्या रूल्स होंगे, किसको अपन किस तरह से फॉलो करने हैं। तो मतलब कि लेबर को जितनी फैसिलिटियां वो मिल सकती हैं पॉजिटिव साइड में, पहले से हमें बता दें, मान लो हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, हम बोल देंगे ये कानून हमारे बने हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें पता भी है मुझे यार सैलरी मिलेगी, अगर काम ज्यादा करूंगा तो ओवर टाइम भी मिलेंगे, प्लस खाने पीने की भी फैसिलिटी मिल रही है, बस लेके जा रही है, सारे हमारे लिए लेबर लॉ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव साइड भी हैं जिनके बारे में उन्होंने ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है। देखिए नेगेटिव में सबसे पहले क्या आ रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव, हमें जितना कुछ बोल दिया जाता है ओवर प्रोटेक्टिव होता है, भी आपको इतना कवर किया जाएगा। अब मान लीजिए आपको कंपनी बोल देता है कि आपकी ईएसआई वगैरह बनेगा, सब कुछ होगा, जब हमें जरूरत पड़ती है टाइम पे हमारे कोई भी काम नहीं आते, ओवर प्रोटेक्टिव ही होगा ना। मान लो आपका ईएसआई कार्ड ही बना है, कोई ऐसी बीमारी इमरजेंसी निकल के आ रही है, आपको बोलते जाओ ईएसआई हॉस्पिटल, ईएसआई हॉस्पिटल में कौन से सुनने वाले बैठे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में भेज देते हैं, तो उनका टाइम इतना ज्यादा होता है कि अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम हुई है तो उतनी जल्दी रिकवरी नहीं होता, पहले जब तक उन्होंने इधर उधर ट्रांसफर करना बंद, तब तक तो बंदा ही खत्म हो जाता है। तो क्या हो गया, ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गया ना, फैसिलिटीज पूरी है, सब कुछ मिलेगा, अगर नॉर्मल भी आ रही है हम दवाई दवाई वगैरह लेके आ जाएंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है उसको सॉल्व करवाने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पहले तो ये सही हॉस्पिटल जाओगे वहां भर्ती होगे, उन्होंने भर्ती कर ले उन्हें लगा भी हमसे सही नहीं होगा, किसी और हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देंगे, फिर पेपर वर्क ही नहीं खत्म होता, जब तक बंदे ट्रांसफर होना तो दुनिया से ट्रांसफर हो जाता है, तो ये पंगा पड़ जाता है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं भी ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके बाद ओवर नेगेटिव, इतनी बातें बता दी जाती हैं, ज्यादातर क्या नेगेटिव में ही जाती हैं, जितने रूल्स हम बताते हैं भी आपको मिलेगा ये कुछ मिलेगा, मोस्टली मिल भी नहीं पाते हैं, कानून बने हुए हैं नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आप इन्होंने बोला भी आपको कोर्ट में केस कर सकते हैं, अभी कोर्ट में जाएंगे हमें फैसिलिटी जरूरत होगी, हमारी वहां पे सुनवाई होगी नहीं होगी, अगर होगी भी तो कितना टाइम लगेगा ये भी कुछ फिक्स नहीं होता। फिर ओवर रिएक्टिव, रिएक्टिव ज्यादा है, जितना कुछ बोलोगे हर कोई बंदा तुम्हें उसका बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, एक्चुअल में उसका कुछ भी नहीं मिलता आपको, किसी भी कंपनी में चले जाओ, जहां भी मर्जी चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट, जितने भी रूल आप पढ़ लोगे बुक्स में, बहुत से रूल बुक्स में है, एक्चुअल में नहीं हो पाते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेड एंड हेगो, फ्रेगमेंटेड में देखो इन्होंने बताया अभी आपके पास क्या है, कंफ्यूजन है, टाइम ज्यादा लगता है, उसके बाद क्लियर सोल्यूशन, गिविंग क्लियर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आपने इतना कुछ बता देंगे लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहने ही रहनी है, टाइम ज्यादा खराब होता है। अगर मान लो लेबर ला के जो भी रूल बने हैं, एग्जांपल इसमें ये हो गया, आपने कोई केस लगा दिया कंपनी के खिलाफ लगा दिया या एम्प्लॉयर के खिलाफ लगा दिया, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा आपको कन्फ्यूजन रहेगी भी मैं सही हूं या नहीं हूं, उसके बाद आपका उतना टाइम खराब होने के बाद जरूरी नहीं है आपको कोई काम भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री, मान लो एक इंडस्ट्री में हमने किसी का केस लगा दिया, दूसरी इंडस्ट्री वाले को ये रहेगा क्योंकि मशहूर तो आप हो जाएंगे भी, ये पता नहीं हमारे खिलाफ भी कल को ऐसा कुछ ना कर दे, तो इसको घर ही बिठाओ ये बढ़िया रहेगा। उसके बाद हो गया आउटडेटेड डेवलपमेंट, जितने भी कानून बने हैं या रूल बने हैं लेबर लॉ के, सब आउटडेटिंग है, इररिलेवेंट है, किसी के फायदेमंद के लिए कानून बना के छोड़े हैं, अभी इतने परसेंट आपको ये मिलेगी, इतने परसेंट ये मिलेगा, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, फायदा नहीं होता, चाहे वो जेंट्स के लिए बने हैं, चाहे लेडीज के लिए बने, किसी के लिए भी बने हैं। मान लीजिए कंपनी में आपने देखा ही होगा, आपको कोई बहुत सी कंपनी रियल कंपनियां होगी जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, अदरवाइज सब नहीं प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो किसी आपके प्रोग्राम हो रहे हैं या कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, मोस्टली ऐसे रूल जो भी बनाए जाते हैं नहीं मिलते हैं, बहुत सी रियल कंपनी जो बड़े बड़े लेवल की कंपनियां होंगी उनमें मिलते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जितने कानून बने हैं
वो सारे आउटडेटेड प्लस इररिलेवेंट में हमारे फायदेमंद भी नहीं आते। तो ये 10 नंबर में आप क्वेश्चन लिखेंगे अगर लेबर लॉ और इंडेशन आता है, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है या फिर एचआरएम का, नीचे सारा एक्सप्लेन किया उन्होंने। ठीक है, ओरिएंटेशन आप पॉजिटिव साइड भी लिखेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव तो साहब पायरे में ही बना के लिख दिए, नेगेटिव आपको थोड़ा डिफाइन ज्यादा करना। पॉजिटिव में तो जो जितने भी कानून बने आपको फायदा मिलता है उसका, वो तो बोल दिया उन्होंने फायदा मिलता है। नेगेटिव में देखेंगे एक्चुअल में हमें वो चीजें नहीं मिलती।